गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए यहाँ पे आज गोल्ड पे एनालिसिस करके देखते हैं कि आज का मार्केट यहाँ पे क्या होने वाला। ठीक है, अभी देखिए सर, यहाँ पे तीन दिन से मार्केट जो है गोल्ड का गिर ही रहा है। कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से उठ सकता है, उठेगा तो कितना उठेगा, ठीक है, यानी कि हमको किस किस प्रकार से ट्रेड करना है सर, उसके बारे में यहाँ पर मैं एनालिसिस करके आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को सर यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज एनालिसिस करने से पहले आपको जो है ना यहाँ पे एक बार न्यूज को देख लेना है। फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री सर गूगल में जाके सर्च करना है। जैसे आप वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे न्यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, शाम को सर आज यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज है यूएसडी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस न्यूज के रिकॉर्डिंग सर यहाँ पे जो गोल्ड है ना आज या तो बहुत ऊपर जाएगा या फिर बहुत नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो नए लोग हैं, 6 बजे न्यूज है, आप लोग या तो 6 बजे न्यूज में ट्रेड ना करें, अगर ये ट्रेड करते हैं तो अपना SLTP लगा के करें, क्योंकि 6 बजे न्यूज है, बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ पे देखिए, हम लोगों को जो है ना जो एनालिसिस करना है, देखिए सर यहाँ पे कहीं पर भी मार्केट बाय यहाँ पे बोला नहीं है, मार्केट नीचे 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 ही आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर, एक चीज़ यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए जाओ तो आपको सर एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, और जो सबसे पहला एनालिसिस है सर वो बड़े टाइम फ्रेम पर करना है, 4 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन पे। ठीक है, तो आपको मार्केट का सबसे पहले ट्रेंड पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, आप सर यहाँ पे अगर यदि देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो 1 डे में सर जो ट्रेंड है ना, देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को मैं दिखा दूँ मार्केट सर किस प्रकार से यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या है ना इस प्रकार से एनालिसिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट उठेगा सर तो कहाँ तक उठ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन देना है सर। ठीक है, ये चीज़ है, इस प्रकार से यहाँ पे देने के बाद। ठीक है, अब देखिए मार्केट सर यहाँ पे है, इस वाले एरिया पे। ठीक है, देखिए इस वाले यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ये छोटा होते जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर की ओर जाए सर। कहाँ से अभी मैं बताऊँगा, अभी जब 4 घंटे पर जाएंगे तब। ठीक है, ये किस प्रकार से मार्केट ऊपर नीचे होके आ रहा है। ठीक है, अब सर देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा सर तो नीचे कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो नीचे हम सर देखिए एक ये वाली एरिया है सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यदि इसको ब्रेक करेगा या फिर नेगेटिव न्यूज आ गया, ठीक है, तो मार्केट सर इन सब एरिया पे यहाँ तक आ सकता है सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1825 से 1800 के यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है अगर दी मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहा तो। ठीक है, और यूएसडी का अगर दी न्यूज पॉजिटिव आएगा तो सर गोल्ड गिरेगा, नेगेटिव आएगा तो गोल्ड उठेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव न्यूज आया तो गोल्ड और नीचे आएगा सर, क्योंकि ये लास्ट में यूएसडी है। ठीक है, बाकी न्यूज में भी सर बात करेंगे आज की मीटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे सर अब 4 घंटे पे चलते हैं, ट्रेंड का भी पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है सर। ठीक है, देखिए धीरे धीरे ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डाउन ट्रेंड सर कभी भी एक साथ डाउन ट्रेंड नहीं होता। हाँ, यहाँ पे अचानक मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर जाने में 10 दिन लगाया, लेकिन यहाँ से नीचे आने में 3 से 4 दिन में ही नीचे आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद, ठीक है, इस वाली एरिया पे सर मार्केट रुकने के बाद क्या होगा, धीरे 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 इन सब एरिया पे आने की कोशिश करेगा 1900 वाली लेवल पे। ठीक है, 1900 वाली लेवल पे सर, क्योंकि इसका जो ट्रेड लाइन जो रेसिस्टेंस है वो 1900 वाली लेवल पे है। ठीक है, वहाँ पे आके फिर सर ये नीचे आ सकता है, क्योंकि इस वाली रेंज को ये फॉलो कर सकता है 1 दिन की यहाँ पे सर कैंडल पे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं सर 4 आवर की कैंडल पे। ठीक है, और 4 आवर में सर आप यहाँ पे छोटा करोगे तो यहाँ पे देखिए,
आपको सर पता होगा मार्केट जब भी यहाँ पे चलता है ना तो अपना हायर हाई लोअर लो बना के चलता है ना, हायर हाई लोअर हाई, ठीक है, तो ये सब बना के चलता है सर। तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से काम करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्केट सर ऊपर से क्या है ना कि नीचे आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, मार्केट सर बिल्कुल यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ना यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे देख सकती हूँ, ठीक, किस प्रकार से यहाँ पे हायर हाई और लोअर लो बना के मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए सर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, अब ये कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे हायर लो बनाने के लिए मार्केट सर कहीं ना कहीं इन सब एरिया पे आ सकता है, ठीक है, इन सब एरिया पे सर आ सकता है। आप यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से हायर हो बनाने के लिए, ठीक है, हायर लो बनाने के लिए सर यहाँ पे 1900, 1905, 1910 इन सब एरिया पे आ सकता है। अब फिर से मार्केट क्या होगा सर, ये नीचे गिर सकता है, फिर से मार्केट यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, फिर से मार्केट ये नीचे धीरे धीरे इस प्रकार से ये अपना जो सबसे नीचे वाला जो अपना डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, इस पर आएगा सर, ठीक है, ये चीज़ें। अगर सर मार्केट को ऊपर उठना होगा तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ना इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा सर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन सब एरिया को सर यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा सर, ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करेगा सर तो फिर ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप सर इस प्रकार से ट्रेंड लाइन दे के रखिए, और यहाँ पे मार्केट अगर दी रुक के ऊपर की ओर जाता है तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के लिए सर बाय कर सकते हैं। जब भी सर बाय सेल कीजिए आराम से छोटा छोटा टारगेट को सर अचीव कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसको सर नीचे ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे नीचे सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं सर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और चीज़ दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके, ठीक है, कि छोटे टाइम फ्रेम पे सर हो क्या रहा, और इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट सर कभी भी जब भी डाउन ट्रेंड होगा अप ट्रेंड होगा कभी भी यहाँ पे अचानक से ऊपर नीचे नहीं होगा, ये देखिए ऊपर नीचे छोटे टाइम फ्रेम पर हो रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ से फिर कहीं ना कहीं सर मार्केट यहाँ से फिर अपना हायर लो बनाने के लिए ऊपर जा सकता है, ठीक है, अब सर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा सर। और आज का न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट को लेके कि मार्केट को कितना ऊपर और नीचे लेके जा सकता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आओगे सर, आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेड ढूंढोगे तो अभी यहाँ पर देखिए मार्केट रुका हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है सर, देखिए मार्केट रुक रहा है सर, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद और ये फिर सर ऊपर की ओर शूट हो सकता है, ये चीज़ें। ऊपर की ओर सर शूट होगा तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ पे सर अपना यहाँ पे जो अपना ट्रेंड लाइन दी है ना आप यहाँ पे देख सकती हो, ठीक है, इन सब एरिया पे आ सकता है, ये चीज़ें। तो आप सर यहाँ पे क्या है छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पे कोई सर यहाँ पे एक या तो इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, तो ये बेहतर होता है सर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप इन सब स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और सर इस प्रकार से एनालिसिस कीजिए और मार्केट का सर ट्रेंड पकड़िए। अभी सर आपने यहाँ पे देख लिया है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में भी सर यहाँ पे किस प्रकार से देखिए 15 मिनट में सर यहाँ पे देखिए ये ब्रेक कर गया है ना, 15 मिनट में ब्रेक कर गया सर, ये चीज़ें हैं। लेकिन हमको ये सर नहीं देखना है क्योंकि आपने सर यहाँ पे जो एनालिसिस किया वो बड़े टाइम फ्रेम पे किया, एक दिन पे किया सर, ठीक है, ये चीज़ें देखिए यहाँ पे। इसको मैं डिलीट करता हूँ सर, देखिए यहाँ पे इन सब वाली एरिया पे देखोगे सर अभी इनका शेडो ही बना है, ठीक है, शेडो, लेकिन 15 मिनट में ये ब्रेक यहाँ पे इस वाली ट्रेड लाइन को कर दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, देखना है, ठीक है, कि मार्केट हो क्या रहा है। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख के आप यहाँ पे देख सकती हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इस प्रकार से सर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं सर इसको फॉलो करेगा, ठीक है, इसको नीचे ब्रेक करेगा सर, तो इन सब वाले एरिया पे हमको यहाँ पे टारगेट को यहाँ पे रखना है, अचीव करना है, और धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट करके हमको सेलिंग पे बैठना है सर। अभी ये ब्रेक नहीं किया, शेडो बना है सर, ठीक है,
तो छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर दिया तो शेयरों पे हमको नहीं जाने, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे सर आप यहाँ पे 4 घंटा पे अगर कोई ऐसा रिवर्सल कैंडल मिलता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सर 4 घंटा में यहाँ पे सर मार्केट बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे ट्रेंड लाइन की, और यहाँ पे देखिए मार्केट रुक रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कैंडल बनने के बाद अगर दी मार्केट एक इस प्रकार से जो यहाँ पर रेड कैंडल है इस प्रकार से एक बड़ा कैंडल बनता है 4 आवर में, तो फिर सर आप यहाँ पे बाइंग पे जा सकते हैं, नहीं तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर आप सेलिंग पे जाओगे सर, बस सर ये चीज़ है। बाकी आप एसएल लगा दो ना, आपका सर बड़ा प्रॉफिट तभी होगा जब आप एसएल नहीं लगाओगे। बाय करते हो नीचे में एसएल लगा दो, सेल करते हो ऊपर में एसएल लगा दो, नहीं लगाते हो छोड़ देते हो, इसलिए सर बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सर आज का यहाँ पे एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार सर आपको एनालिसिस करके फॉलो करना है मार्केट को, और यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है सर, ठीक है। वीडियो को सर यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।